आसमान इतना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर आसमान और नीचे हमारा कॉलेज जीपी टेकाड़ी, जिसको सर्च करते करते आप यूट्यूब पे पहुँचे हैं और हमारे चैनल पे आ गए हैं। तो हमारे चैनल पे इस कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पर आज एक नया वीडियो आप लोगों के लिए मैं शूट कर रहा हूँ, ताकि इस कॉलेज के हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। जो भी बच्चा न्यू एडमिशन लेने वाला है उनके लिए वीडियो है। और ये देखिए वाईफाई यहाँ पे लगा हुआ है, तो फुल्ली वाईफाई कैंपस है यहाँ पे, आपको नेट की कोई दिक्कत नहीं होगी। और डिजिटल इंडिया के तहत ये कॉलेज फुल्ली वाईफाई कैंपस है। और यहाँ पे आप और यहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट आप देख सकते हैं, सॉरी वॉलीबॉल का कोर्ट है। और एक यहाँ पे क्रिकेट खेल भी सकते हैं, ग्राउंड है हमारा छोटा सा कॉलेज का। तो ये कॉलेज का व्यू सामने वो जो दोनों दिख रहा है वो दोनों है बॉयज़ हॉस्टल, इस तरफ गर्ल्स हॉस्टल, और वो टीचर का है क्वार्टर। और ये हमारा कॉलेज है, और इसके नीचे इस फ्लोर पे जिसमें हम खड़े हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। तो ये हमारा कॉलेज का छोटा सा रूप। आपको वर्कशॉप दिखाते हैं जहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए और फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर बच्चों के लिए वहाँ पर वर्कशॉप की व्यवस्था की गई है। तो वर्कशॉप दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा आगे छत की इस ओर। और ये देखिए ये है आपका वर्कशॉप। जी हाँ, इसके अंदर बहुत से मशीन लगे हुए हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे तिरंगा हमारा झंडा फहराने के लिए ये जो तैयारियाँ की गई है ये है। ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर आप आकर डेली अपना नोटिस देख सकते हैं क्या क्या कॉलेज के द्वारा नोटिस निकाला गया। ये है राधेश्याम रशिया, ये बहुत लगन से पढ़ रहा है। और ये नीतीश और ये प्रेमजीत, और ये तीन बच्चा यहाँ पे आपको दिख गया है। बाकी बच्चा घर चले गए हैं क्योंकि अभी एक्स्ट्रा क्लास है, टाइम अभी 2:30 के आसपास बज रहा है। तो बाहर बारिश का मौसम था, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना क्लास में बैठकर ही थोड़ा पढ़ लिया करते हैं। तो वही हो रहा है, सब बच्चा से पूछेंगे कि ये कॉलेज कैसा है। तो राधे थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा इधर ध्यान दे दो। तो बताओ कि तुम इस कॉलेज में आए थे तो उससे पहले क्या लगता था, कॉलेज सिलेक्ट कैसे किए थे, कॉलेज के रेपुटेशन क्या था, मतलब कॉलेज में आने से पहले क्या सोचा था कॉलेज के बारे में, कुछ बुराइयां अच्छाइयां जो भी है आने वाले बच्चों को बताओ कि कॉलेज में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। हम कॉलेज आए थे सबसे पहले यही देखे थे कि कॉलेज बहुत बड़ा बिल्डिंग, थोड़ा जोर से बोलो ताकि बच्चे का आवाज़ क्लियर जा सके। कॉलेज बहुत बड़ा बना हुआ है, इसलिए सोचे थे कि इसमें पढ़ाई बहुत अच्छा होगा। और हम लोग क्लास करने आए थे, भी फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छा क्लास चला था। तो मत अभी तक तो मतलब कि यहाँ पे बिल्डिंग बहुत अच्छा है ना, बिल्डिंग बहुत अच्छा। हाँ, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग साइट या कहीं पे देखे भी होंगे। और यहाँ पढ़ाई की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि राधे बता रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे टीचर्स उपलब्ध हैं यहाँ पे, तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सब्जेक्ट का टीचर है, अच्छा से क्लास करिए आकर। से प्रेमजीत हो गया, ये ऑनलाइन पढ़ता है कोई लेक्चर लेकर, नीतीश हो गया ये भी लेक्चर ऑनलाइन लिया हुआ है। तो क्या ऑनलाइन लेक्चर लेना जरूरी है बच्चों को, या क्लास का पढ़ाई सफिशियंट है? क्लास की पढ़ाई के साथ ऑनलाइन लेना जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखो यार कॉलेज है तो कॉलेज में तो फिर यहाँ के टीचर लोग हैं जो अपना, हाँ तो कॉलेज में लेक्चर जैसा ही लेक्चर मिलेगा ना। कोचिंग करोगे तुम, अगर तुम डिप्लोमा किस लिए कर रहे हो, तुमको जॉब चाहिए, जॉब के लिए तुमको डीप नॉलेज चाहिए, उसके लिए तुमको पढ़ना होगा अच्छे से। अब प्रेम जी से पूछते हैं, और अच्छे से पढ़ने के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेना पड़ेगा, बहुत सारे हैं, पॉलिटेक्निक अकेडमी हो गया इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए भी वही है, अगर सिविल से हो तो उसके लिए BTSC हो गया, बहुत अलग अलग कोचिंग है। प्रेमजीत थोड़ा मोबाइल को विराम दीजिए और थोड़ा कैमरा में फोकस कीजिए और बताइए कि ये कॉलेज में क्या है कुछ, मतलब कि हम यही सजेशन देंगे कि अगर आप अपग्रेड कराने से पहले देख रहे हैं तो यहाँ मत कीजिएगा अपग्रेड करा के, कहीं और रास्ता देख लीजिए। रीजन है कि यहाँ आपको ये ना सोचा जाए कि आपका सीनियर जो मिलेगा वो हमको हेल्प करेगा, ये ब्लॉगर के जैसा चुटिया सीनियर मिलेगा जो इस वीडियो को हम एडिट करके काट देंगे यहाँ से। तो अच्छा बात बोलिए ताकि अपने के बच्चों को पॉजिटिव लगे, इस कॉलेज में आमंत्रित करो कॉलेज में आने के लिए, उसके लिए कुछ अच्छा बोलो ना रे। तो ये देखिए, हाँ तो यहाँ से रियल, तो ये लड़का बहुत शर्मिला है, कुछ बोल नहीं पा रहा है लड़का, कैमरा के सामने सर तू कितनों कर ले रहे बेटा, वही चीज डालबू ना जो चीजवा अच्छा रहता हमारा लगता। तो ये लड़का है बहुत शर्मिला, और ये कैमरा फोकस करो नीतीश, ये देखिए ये बच्चा एली से आया है और इतना मेहनती है कि मैं क्या बोलूँ, आप देख सकते हैं क्लास में बैठ कर भी लेक्चर देख रहा है। तो ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ मिल नहीं रहा आजकल।
तो आप बताइए आपको इस कॉलेज का लोकेशन कैसा लगा? टिकारी से दूर है, बच्चों को आने में तकलीफ होती है, तो तकलीफ तो बड़ी होती है। हम सप्ताह में 45 किलोमीटर चला के आते हैं आराम से। हाँ सुनिए, आराम से 45 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। महीना में 400 किलोमीटर साइकिल चलाने का टारगेट है। देखो लड़का कुछ ज़्यादा बोल रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में, इसको खुद पता नहीं है क्या बोलना चाह रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। तो छोड़िए ये सब बात नहीं की, सब काम है क्या खाली छोड़ी पटाना। तो छोड़ी पटाना एक कला है। देखिए लड़का गाली दे रहा है, गाली देना अलाउ नहीं है कैंपस में, पर कोई नहीं, ये सीनियर हो गया तो गाली दे सकता है। सीनियर को थोड़ा बहुत अलग। और ये देखिए हमारा लीडर है, ये आपको जरूर मिल जाएगा। अब इसमें किसी को पहचानिए नहीं इसको जरूर, क्योंकि यहाँ आओगे केवाईपी करना पड़ेगा। और एक मिनट केवाईपी दिखा देते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ केवाईपी करने जरूर आते हैं, क्लास करने आया नहीं। और देखिए ये केवाईपी है, यहाँ से आपको जरूर करना पड़ेगा केवाईपी। और केवाईपी करने के लिए आपको गेट खोलना पड़ेगा।